बहुत सारी दुनिया मैच इसलिए देखना छोड़ गई और पाकिस्तान टीम को इसलिए फॉलो करना छोड़ गई क्योंकि इसकी भी परफॉर्मेंसेस होंगी। तो मुझे एक बात बता दें, कौन पैसे दे के पाकिस्तान टीम को देखने आएगा? खुद सोचें, पाकिस्तान प्लेड लाइक एन एवरेज टीम और पाकिस्तान इज एन एवरेज टीम। जो स्लिपर रख लो, बाउंसर मारो, डराओ धमकाओ, एक करेक्टर आपको ऐसा नजर नहीं आता जो आपको विकटें लेके दे। थके हुए लोग लाते हो कि जो ना आपकी टीम में कोई करेक्टर नजर आ रहा है, ना उनकी कोई पर्सनैलिटी है, विकेट लेने का कोई तरीका नहीं पता, कोई रिवर्स स्विंग नहीं, कोई स्किल्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं, मार ही मार। कहाँ है जान मारना, कहाँ तगड़ी बॉलिंग, कहाँ तगड़ा रनअप, कहाँ घुरियां। एक बंदा 191 करके चला गया। बांग्लादेश जैसी टीम से आप टेस्ट मैच, आप बातें तो आप करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के कि हमें एक्साइटिंग क्रिकेट खेलनी है, हमें फैंस के साथ कनेक्ट होना है, मीडिया अच्छी बातें लिखे हमारे खिलाफ। और भाई जब ये प्लेयर्स के साथ भी आप बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं जीत पा रहे हैं इस तरह की कंडीशन अपने होम क्राउड पे, तो फिर व्हाट इज स्टॉपिंग। पाकिस्तान टीम की मुकम्मल चित्रोल की वीडियो देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है और पहले ही टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 10 विकेट से बहुत बड़ी शिकस्त दे दी है और ये क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ इतने मार्जिन से कोई टेस्ट मैच जीता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के कई क्रिकेटर ने पाकिस्तान टीम के ऊपर कड़ी तनकीद की है, जिसमें शोएब अख्तर का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे और यही हारा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे, नीदरलैंड जैसी टीमों से भी पीछे चली जाएगी। जी तो दोस्तों, आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान शान मसूद को होना चाहिए या फिर किसी और को? अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में जरूर लगा।